हेलो फ्रेंड्स, हमारे मेरे अमन जी ने आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने 2017-18 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दिया। अगर रिटर्न की बात करेंगे तो 20-30 टाइम्स का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। और हाल ही में स्टॉक स्प्लिट हुआ है 2018 में अप्रैल में, तो स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है लेकिन ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है इस स्टॉक के अंदर। 2017 में अगर आप देखेंगे तो 10 रुपये के करीब चलता था, स्प्लिट होने के बाद ये रेशियो है। और 2017 में अगर आप देखेंगे तो 300 के करीब ये स्टॉक गया और अब 200-220 के करीब चल रहा है। तो ये कार्बन कंपनी का एक स्टॉक है और बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, डिविडेंड रिकमेंड करने वाले हैं, तो उसी के बारे में बोलेंगे। और अगर आपने देखा होगा तो जितनी भी कार्बन कंपनी है, HEG हो गई, फिलिप्स कार्बन, ये है स्टॉक, ये आप देख सकते हैं। फिलिप्स कार्बन ब्लैक 206.95 के ऊपर चल रहा है। गोवा कार्बन भी अगर आप देखेंगे तो जितनी भी कार्बन कंपनी है, सारी चीज कंपनीज ने काफ़ी गुना रिटर्न्स इन 2 सालों के अंदर दिया है, लेकिन अब काफ़ी ऊपर के लेवल पे है। और अब इसका देखेंगे तो 157 का लो है और 300 का इसका 52 वीक हाई है और अब 206.95 के ऊपर क्लोजिंग इसने दी है। तो थोड़ा इसके अंदर प्रेशर आया था लेकिन फिर से इस स्टॉक ने रिकवर किया। अगर HEG की बात करेंगे तो वो भी काफ़ी ऊंचे लेवल पे स्टॉक चल रहा है। तो स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं लेकिन आपको लेने हैं इन स्टॉक्स को एकदम लोअर लेवल्स पे, ताकि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न इनके अंदर फिर मिले। और ये छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है, 3,553 करोड़ का मार्केट कैप है, 2 रुपये का फेस वैल्यू है। 2018 में 60% का डिविडेंड भी दिया और स्टॉक स्प्लिट भी हुआ, लगभग 1,000 रुपीज़ के ऊपर ये स्टॉक चलता था। स्टॉक स्प्लिट होने के कारण जो है स्टॉक का प्राइस डाउन हुआ और आपके जो स्टॉक्स हैं वो 5 टाइम्स बढ़ गए। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके अगर आप लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 883 करोड़ का इसका सेल्स का टर्नओवर था सितंबर में, जून में 784 और अब दिसंबर के आएंगे। अगर दिसंबर के और अच्छे आते हैं नतीजे तो स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो आप मेरे हिसाब से नतीजे देखिए, उसी के बाद डिसीजन लीजिए इन कार्बन स्टॉक्स के अंदर। और इसका अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि बड़ा जून क्वार्टर से, जून क्वार्टर के अंदर 97 का था। तो कंपनीज ये सारी जो है काफ़ी अच्छा जो है रिटर्न इन्होंने 2 साल के अंदर दिया है, लेकिन अब देखना यही है कि इनके फाइनेंशियल्स कैसे कंटिन्यू अच्छे आने चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म का नज़रिया आपको रखना है इन स्टॉक्स के अंदर, तो इसका अगर आप देखेंगे तो 16 तारीख को बोर्ड की मीटिंग है और इसके अंदर डिविडेंड कंपनी रिकमेंड करेगी और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो भी फिक्स करेगी। तो इसी के बारे में बोलना था ताकि आपको भी आइडिया आ सके, आप भी नज़र रखिए इन स्टॉक्स के ऊपर। एक ही सेक्टर के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी मत लीजिए, अलग अलग स्टॉक्स में थोड़े थोड़े स्टॉक्स लीजिए ताकि अगर नीचे भी जाता है तो फिर लेने का मौका मिले और लॉन्ग टर्म के नज़रिए में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिले। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए, थैंक यू।